Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Hello everyone. Welcome back to my channel. So guys, आज मैं एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है टॉम शिपिंग स्पॉन्सरशिप एग्जाम 2020। तो जैसे हम लोग को मालूम था कि जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम होता है बस DNS कोर्स के लिए होता है, बट इस केस में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जो टॉम शिपिंग से जो फॉर्म निकला है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका जो प्रोसीजर है, आपको उस फॉर्म को फिल करके फिर उसको उसका स्कैन कॉपी आपको एक मेल दिया जाएगा, उस मेल भी आपको भेजना है। ठीक है, बट इस केस में क्या है, आप अगर डेक कैट का कोर्स करना चाहते हैं या फिर इंजन कैरेक्टर का कोर्स करना चाहते हैं, दोनों केस में ही आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन है उस एग्जाम से रिलेटेड, तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपको उस फॉर्म भरने के लिए आपका बस हाई स्कूल मतलब क्लास 12 आपको पास करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि PCM से पास करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप ये फॉर्म फिल करके आप उस मेल पे भेजिएगा, उसके बाद बाकी जो कॉन्टैक्ट होगा वो मेल के थ्रू होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उस फॉर्म में क्या क्या है। तो पहले उस लिंक पे जाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं उस फॉर्म को और वो कैसे भरते हैं। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कैरेट प्रोग्राम टॉम शिपिंग का। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए लिखा हुआ है ये भी कि यू विल रिसीव पे ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल पार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब आपको जो कॉलेज का पढ़ाई है प्लस आपका जो जहाज का ट्रेनिंग है पूरा इसके अंदर ही होगा। और देखिए ये भी लिखा हुआ है यू विल रिसीव पे ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब आप जब शिप पे रहेंगे तो उस टाइम पे आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसीज, मतलब आपके पास लीडरशिप स्किल होना चाहिए, फिर टेक्निकल, फिर आपके पास एम्बिशियस एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड, ये सब स्किल आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट हैव कम्प्लीटेड ए हाई स्कूल एजुकेशन। ठीक है, मतलब आपको हाई स्कूल एजुकेशन कम्प्लीट करना पड़ेगा एंड नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्रोसीजर क्या है। देखिए लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई, टू सेंड योर एप्लीकेशन और टू गेट इन टच विद अस प्लीज सी बिलो। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया से हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मतलब आप इंडिया से ही हैं, तो जो अभी इसमें जो मैं दिखाऊंगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, वो फॉर्म को आप प्रिंट कीजिएगा, उसके बाद उसको आप फिल कीजिएगा, फिर उसको स्कैन करने के बाद आपको जो यहाँ पे ईमेल आईडी है, देखिए mhrin@tom.com, देखिए लिखा हुआ है इंडियन सीफेरर्स टू अप्लाई वाया द फॉलोइंग ईमेल यूजिंग बिलो एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए तो इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है, तो आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर साइड में डाउनलोड का साइन है। तो आप जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। देखिए अभी फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म को आपको पूरा फिल करके फिर आपको भेजना है स्कैन करके फिर उस ईमेल आईडी पे। अभी फॉर्म आ रहा है, थोड़ा वेट कीजिए आप। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा या फिर आप ट्राई कीजिएगा किसी लैपटॉप से खोलने के लिए ताकि आप उसका प्रिंट आउट ले सकें। तो देखिए आप इसका फॉर्म आ चुका है, देखिए लिखा हुआ है ऊपर में टॉम, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा अच्छे से फिल करना है, कैपिटल में लिखिएगा ताकि सबको समझ में आ जाए उनको, नेम एड्रेस पिन नंबर सिटी कंट्री फ़ोन ईमेल, ये पूरा जो करेक्ट लिखना पड़ेगा करेक्ट। ठीक है, और देखिए फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीकिंग एजुकेशन एज इंजन कैरेट या फिर डेक कैरेट। अगर आप GME कोर्स, अगर आप BTEC मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और फिर उसके बाद आप GME कोर्स करना चाहते हैं एज ए टू गेट जॉब एज एन इंजन कैरेट, उस केस में भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंजन कैरेट और डेक कैरेट, फिर आपको जो भी एजुकेशन चाहिए आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके साथ आपको देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीचे प्लीज अटैच फॉलोइंग टू योर एप्लीकेशन, यहाँ पर जो 5 चीज़ें हैं ये आपको एड्रेस करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन के साथ स्कैन करके। आपको मोटिवेशन मतलब क्या, जैसे कि आप मर्चेंट नेवी को लेकर आप कितना मोटिवेट है उसको आपको फिल करके लिखना पड़ेगा, मतलब आपको एक पेज में लिख के आपको उसके साथ भेजना पड़ेगा। बिकॉज आपका अगर मोटिवेशन अगर कम हो जाएगा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड तो फिर आप मर्चेंट नेवी छोड़ सकते हैं। इसके लिए आप उनको मतलब चाहिए ये आप कितना मोटिवेट है मर्चेंट नेवी को लेकर। फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब अगर आपका, आप भी ट्राई कीजिए कि आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है आप वहाँ से क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए। उसके बाद डिप्लोमा विथ मार्क्स, तो मतलब अगर आप BTEC मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो उसका मार्कशीट का स्कैन कॉपी, या फिर अगर आप क्लास 12 के किए हैं तो क्लास 12 का स्कैन कॉपी, जो भी आपका मार्कशीट है उसको आप भेजना पड़ेगा। फिर आदर्श स्टेटमेंट में मतलब आप कुछ भी भेज सकते हैं आदर्श स्टेटमेंट में। उसके बाद नीचे देखिए CV, आपको एक CV बना के उसका भी स्कैन कॉपी भेजना पड़ेगा। तो देखिए फिर नीचे लिखा हुआ है वी विल रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट एज सून एज पॉसिबल, तो आप इस फॉर्म को फिल करके अलोंग विद दिस 5 डॉक्यूमेंट्स आप उसको भेज दीजिए इस जो मेल आईडी पे अभी मैं बोला फॉर इंडियन सीफेरर्स। उसके बाद आपको जो बाकी प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रोसीजर क्या क्या है। तो अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, चाहे आप इंजीनियर का कोर्स करें या फिर डेक का कोर्स करें, आप इस फॉर्म को फिल करके आप उसको भेजिए, फिर बाकी प्रोसेस जो है आपको मेल के थ्रू मालूम चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके जो भी दोस्त अभी कोर्स करने वाला है और स्पॉन्सरशिप नहीं मिला तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा मालूम चल जाए। तो आज का वीडियो यही तक है, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।